गाइस फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह का टेक न्यूज लाता हूँ जो आपका काम पे है। तो फ्रेंड्स, आप फेसबुक पेज किस लिए बनाइएगा? आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस जब कर रहे हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाना कौन नहीं चाहता है? तो आपका अगर बिजनेस फेसबुक से आगे बढ़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? दिन में दुकान में बैठे बैठे या आपका ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक तो आप जरूर करते हैं, तो फेसबुक में कुछ काम भी करिए। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम फेसबुक पेज भी आपको बनाना सिखाएंगे इसी वीडियो में। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह का टेक न्यूज लाता हूँ जो आपका काम पे आए। तो फ्रेंड्स, फेसबुक पेज आप किस लिए बनाइएगा? आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइज करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं, या आपका कोई शॉप है। तो अगर आपका शॉप में जो चीज आप बेचते हैं उसी को अगर फेसबुक के द्वारा आप थोड़ा सा एवरेज करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आपका फेसबुक में जब आप एक प्रोफाइल पिक्चर छोड़ते हैं, फेसबुक में डीपी देते हैं, तो कितना लाइक आता है, कितना अच्छा लगता है। तो आपका अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्ट आप फेसबुक में छोड़ते हैं तो काफी सारा जब लाइक कॉमेंट आएगा आपके पास, आपको पूछेगा कि ये भाई ये क्या चीज है, भाई क्या प्राइस है, कैसे मिल सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जरूर, मुझे तो लगता है अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपका फेसबुक पेज बनाना जरूरी है। आप फेसबुक पेज बना के बिजनेस करिए, बिजनेस भी ग्रोथ होगा और आपका एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा खासा फ्री में हो जाएगा। आपका दुकान में कोई नया प्रोडक्ट आप लाते हैं तो आप जितना आपका कस्टमर है सभी को आप बताते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट लाया, आप लोग आइएगा, फिर से बताते नहीं है। तो आपके पास जरिया है, आप फेसबुक पेज के थ्रू उनको बता सकते हैं। और कैसे आप बताइएगा? आप कोई भी प्रोडक्ट पहले जब पेज क्रिएट कर लीजिएगा, पेज क्रिएट करने के बाद उसको प्रोफेशनली जब उसको उसका फोटो थोड़ा सा एडिट करके अगर आप फेसबुक पेज में डालिएगा, उसके बाद उसको शेयर भी जब करते हैं तो उसमें एक अच्छा रेपुटेटेड सिस्टम से आपको एडवर्टाइजमेंट होता है आपका दुकान का या शॉप का या आपका ऑफिस का। तो इस तरह से आप आपका अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीका से। तो चलिए, हम डेस्कटॉप पे नहीं जाएंगे, हम मोबाइल में जाएंगे कि अभी तक बहुत सारा ज्यादा बंदा ही अभी मोबाइल यूज करता है और मोबाइल से आप कैसे पेज बनाइएगा तो इसी के बारे में आप लोगों को लाइव दिखाएंगे और पेज भी आपको बना के लाइव दिखाएंगे। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख पा रहे हैं कि हमने फेसबुक एप्लीकेशन में चले आए हैं और यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन है इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे चले जाइए, देखिएगा अब यहाँ पे पेज बोल के एक ऑप्शन होगा, पेज में आपको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई भी पेज अगर क्रिएट रहेगा तो आपके यहाँ पे शो होगा। जैसे मेरा यहाँ पे पेज क्रिएट है, मेरा यहाँ पे आईमा ट्रेडिंग के नाम से जो पेज क्रिएट पहले से था वो भी क्रिएट है, और यहाँ पे एक सोशल पेज क्रिएट है, और एक मेरा जो गेमिंग चैनल है वो मेरा गेमिंग चैनल का भी यहाँ पे पेज क्रिएट है। तो यहाँ पे आपका जो अगर पेज क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, तो आपको ये क्रिएट बटन में क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पेज करना होगा क्रिएट। तो नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर से नेक्स्ट करिए, गेट स्टार्ट। तो अभी आपको करना है जो चीज़ का आप पेज बना रहे हैं, ऑफिस हो गया, दुकान हो गया, कोई भी चैरिटी हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, आप ट्यूशन करते हैं उसका ट्यूशन पेज हो गया, नॉर्मली उसका नाम यहाँ पे दे दीजिए, आपका कुछ भी नाम है। चलिए यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, अगर आप डांस करते हैं तो उसका उस हिसाब से आप अपना नाम चूज कर लीजिएगा। अगर म्यूजिक में कुछ अगर हॉबी है तो आप उस हिसाब से भी नाम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरे नाम से एक पेज बना लेता हूं। मान लीजिए ये मेरा दुकान का नाम है, चलिए नेक्स्ट कर दिए हैं। कैटेगरी यहाँ पे अभी आपको करना होगा कैटेगरी चूज। तो कैटेगरी चूज आप कैसे करिएगा, आप अगर आपका दुकान होता है तो वो कौन सा कैटेगरी में पड़ता है उस हिसाब से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट स्कूल हो गया तो यहाँ पे आप प्राइवेट स्कूल भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपका गैरेज हो गया तो गैरेज भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
तो उस हिसाब से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमने बनाया है ये ब्लॉग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर्सनल ब्लॉग, तो पर्सनल ब्लॉग के हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग यहाँ पे कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली अगर आर्ट है तो आर्ट भी दे सकते हैं, अगर शॉपिंग रिटेल है शॉपिंग रिटेल दे सकते हैं, प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं कोई भी कंप्यूटर प्रोडक्ट हो गया, मोबाइल शॉप वगैरह अगर आपका होता है तो वो भी आपका प्रोडक्ट का दुकान होता है। मोबाइल का आईटीएम जो होता है वो एक प्रोडक्ट ही होता है, तो आप यहाँ पे वो भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हमने कैटेगरी चूज़ कर दिए, नेक्स्ट कर दिए। करने के बाद थोड़ा सा समय लग रहा है, चलिए यहाँ पे अभी है आपका इस नाम से कोई अगर वेबसाइट है तो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग क्रिएटर हैं, आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपका ब्लॉग का एड्रेस भी यहाँ पे आप दे सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अभी मांगता है आपसे फोटो, तो अगर आप फोटो टेक अगर फोटो आप खींच के देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको खाली बताना था पेज कैसे क्रिएट करें, फोटो वगैरह सब आप कुछ आप लोग कर पाइएगा, ये हमको गारंटी है आप लोग कर पाइएगा, फोटो वगैरह चीज अपलोड आप लोग कर पाइएगा। तो ऐसे हो गया आपका पेज, ठीक है। अभी आपको करना होगा क्या, इनवाइट, सभी फ्रेंड को इनवाइट करना है कि यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल में आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद सेंड ए इन्विटेशन। तो इन्विटेशन जब भी आप भेज दीजिएगा, आपका जितना भी आपका कस्टमर होगा आपको पहचानता होगा कि भाई चलो उस दुकान का ये पेज है, चलो लाइक कर लेते हैं, कुछ ऑफर के बारे में जानकारी मिलेगा, कुछ भी अगर दुकान बंद रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दे सकता है, अगर कोई ऑफर आप चला रहे उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट कुछ आप लॉन्च कर रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट आप दुकान में लाए हैं या आपका जो दुकान था उस दुकान के साथ प्लस करके कुछ आप करना चाहते हैं उसका भी एडवर्टाइज आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इस तरह का टेक न्यूज़ लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।